Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am All India Rank 36 through UPSC CDS entry. I am also recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. ये हमारे recommendation वाली photo है जो 21 SSB Bhopal में हमने ली थी. अच्छा तो इस video में हम क्या discuss करने वाले हैं वो बहुत important है. मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड किया था वो टीए आर्मी ऑफिसर से रिलेटेड था, जो नोटिफिकेशन टीए ने रिलीज़ किया है. कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स मिले टीए आर्मी भर्ती को लेकर कि कब आएगी टीए आर्मी जीडी वाली, जो सोल्जर जीडी वाली एंट्री होती है वो कब आएगी, क्या रहेगा, क्योंकि कोई अपडेट आ नहीं रहा है. फिर मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं कि ये एक्सपेक्टेड टाइम है, अभी नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मेरा बच्चों से सिर्फ इतना सा कहना है कि जब तक ऑफिशियल अपडेट न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे या कोई भी इंडियन आर्मी के पोर्टल पे नहीं आ जाता है, तब तक कोई ये नहीं बोल सकता है कि टीए की जो भर्ती है वो अब होने वाली है. हम सभी को पता है अग्निवीर वाली स्कीम आ चुकी है और अग्निवीर में जो पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया. पहले मेडिकल्स होते, फिजिकल होता था, मेडिकल्स होते थे, देन आपका रिटर्न होता था, उसके बाद में आपकी मेरिट आती थी. अग्निवीर से क्या हुआ है, पहले उन्होंने आपका रिटर्न लिया है, देन आपका फिजिकल हुआ है, फिर आपके मेडिकल्स हुए हैं एंड देन आपकी ज्वाइनिंग आई है. तो पैटर्न एकदम उल्टा हो गया है और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की जो जीडी भर्ती है उसमें भी सेम प्रोसीजर आए. बट अभी तक कहीं से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है. मेरे जो फ्रेंड सर्विंग है टी आर्मी में, मैंने उनसे भी बात की, अपडेट लेने की कोशिश की, बट एज सच कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. इसके अलावा जो लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है टी आर्मी की भर्ती अब होगी नहीं या बंद हो गई है, क्योंकि लास्ट 2019-20 में हुई थी, अगर टी ए ऑफिसर्स की एंट्री हो रही है तो ये सीधा सा एक साइन है कि टी आर्मी भर्ती नहीं बंद हुई है. ये बंद नहीं हो सकती है. ऑफिसर्स आप फिर रिक्रूट क्यों करोगे? ऑफिसर्स रिक्रूट करके आप क्या करोगे जब आपके पास सोल्जर्स नहीं है? तो अगर आप ऑफिसर रिक्रूटमेंट आपका चल रहा है तो आपकी आर्मी भर्ती है, कब आएगी उसका कोई अपडेट नहीं है. और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने टी ए आर्मी जी डी की भर्ती अभी तक नहीं दी है, उनके लिए मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया है कि उन्हें एक ओवरव्यू मिल पाए कि कैसे क्या रहता है टीए आर्मी में, क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे आप पहले क्या होता है फिर क्या होता है. बट आई एम प्रिटी श्योर कि इस बार जो टीए जीडी की भर्ती आने वाली है उसमें प्रोसीजर चेंज होने वाला है. जो अग्निवीर वाला जो प्रोसीजर है सेम वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करने वाले हैं. बट मुझे जहाँ तक लगता है इस साल के एंड तक जहाँ तक है चांसेस टीए आर्मी का कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आएगा. बट एज ऑफ नाउ सारी जो भी YouTube पे वीडियोस बने हुए हैं, जो भी लोग इससे रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, उनका कोई बेस नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज़ कंफर्म की है. और ये TA आर्मी के हमारी बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं महेंद्र सिंह धोनी. इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि कपिल देव है, उन्हें भी ऑनरेडी रैंक मिली हुई है TA में. इसके अलावा सचिन पायलट जो हैं राजस्थान के ही हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत जाना माना चेहरा है, वो भी हमारे टीए आर्मी से बिलोंग करते हैं. इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर, वो भी एक पॉलिटिशियन है बीजेपी से, वो भी टीए आर्मी से बिलोंग करते हैं. और अभिनव बिंद्रा, उनके पास भी ऑलरेडी रैंक है टीए आर्मी की. तो टीए आर्मी में बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो जिन्हें टीए आर्मी ने एक अच्छी ऑलरेडी रैंक्स दे रखी है, और महेंद्र सिंह धोनी उनमें से एक हैं. अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वाला जो बैज है ये कौन सी रेजिमेंट को दिया जाता है, या किस पर्टिकुलर रेजिमेंट के लोग इस बैज को पहन सकते हैं. ये वाला बैज और ये वाली बैरे जो है मरून बैरे, ये कौन से स्पेसिफिक सोल्जर्स या ऑफिसर्स होते हैं जो ये पहनते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ये आपका टास्क है. नेक्स्ट हम बात करें तो अभी तक जो टीए आर्मी की जीडी की भर्ती हो रही थी उसमें एज क्या थी, वही जो ऑफिसर्स की 18 से 42 साल तक आप दे सकते थे, और क्राइटेरिया टीए का चेंज नहीं होने वाला है, सेम ही रहने वाला है.
तो एज क्राइटेरिया ये था। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया जो नए हैं, जिन्हें जो पहली बार टीए आर्मी के लिए भर्ती के लिए अपीयर होने का सोच रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको एक ओवरव्यू मिल जाए कि टीए आर्मी की जो जीडी भर्ती होती है उसमें एक्चुअली होता क्या है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो आप सभी को पता है कि नॉर्मल जो सोल्जर जीडी की भर्ती होती है उसमें आपको 10th पास होना चाहिए। उसमें आपके पास 45% मिनिमम आपके पास आपने स्कोर किया हो 10th में, और हर एक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और जो सोल्जर क्लर्क वाली जो एंट्री होती है, अच्छा, क्लर्क का काम थोड़ा जीडी में आप ग्राउंड पे ज्यादा रहते हैं, आपका पढ़ाई से और इन सब चीजों से इतना नाता नहीं रहता जितना आपका क्लर्क। जब आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हो तो आपके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसलिए इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हो जाता है। इसमें आपके पास आप 12th पास होनी चाहिए, 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, और मिनिमम हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये नॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं अगर आप सोल्जर जीडी के लिए जा रहे हैं टीए आर्मी में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है टीए में, सबसे पहले अभी तक जो हो रहा था उसमें ये होता है, पहले आपका फिजिकल, मेडिकल, रिटन, देन मेरिट। तो सबसे पहले आप जहां भी रैली हो रही है वहां पे आप जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं आपके, फिर आपके फिजिकल मेजरमेंट्स होते हैं, उसके बाद में आपके फिजिकल पीएफटी जो होता है, फिटनेस टेस्ट होता है, वो होता है जिसमें आपकी दौड़ वगैरह रहती है और पुलअप्स पुशअप्स जो भी रहते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है वहीं पे, फिर आपका रिटन टेस्ट होता है। तो ये प्रोसेस ही पूरा उल्टा था अभी तक टीए आर्मी में। अभी तक ऐसे इसका कोई अपडेट नहीं आया है, बट जैसे अग्निवीर में ये रिटन अब पहले होने लग गया उसके बाद में सारी चीजें होती है, वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि टीए आर्मी में भी सेम होने वाला है, चांसेस हैं। रिटन के बाद में फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, और उसके बाद में आपको एनरोलमेंट हो जाता है कि आप कौन सी पर्टिकुलर इन्फेंट्री बटालियन ज्वाइन करने वाले हैं, कहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, आपका ट्रेनिंग सेंटर क्या रहेगा, उसका आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है अभी एट प्रेजेंट। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम हाइट, जैसे ऑफिसर एंट्री के जब हम बात करते हैं तो उसमें मिनिमम हाइट का इतना क्राइटेरिया नहीं रहता है, 140 सेंटीमीटर तक आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और यूजुअली इससे ज़्यादा ही होती है सबकी। बट जब आप सोल्जर जीडी एंट्री की बात करते हैं टीए में, आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर्स होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, और मिनिमम 82 होना चाहिए विद पेंशन। और फिर वेट की अगर बात करें तो 50 kg से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए, तो अगर कोई इससे कम है तो प्लीज अपना वेट बढ़ा लीजिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स ये हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स का, ये सभी के लिए सेम है टीए जीडी के अंदर। और सोल्जर जीडी के अंदर आपकी आईसाइट 6x6 होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। एग्जाम प्रोसेस की हम बात करें, अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये अभी भी अग्निवीर स्कीम में भी ये रिटन प्रोसेस सेम है, ठीक है, पर अग्निवीर में पहले रिटन हो रहा है, फिर आपका फिजिकल हो रहा है, फिर मेडिकल हो रहा है, फिर मेरिट आ रही है, और फिर आप ज्वाइन कर रहे हो। अभी तक क्या होता था, फिजिकल होता था पहले, देन आपका रिटन होता था, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद रिटन, रिटन के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आती थी, देन ज्वाइनिंग आती थी। ये पेपर पैटर्न रहता है, जब आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, मेडिकल्स क्लियर कर लेते हैं, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस, मैथ के 15, और रीजनिंग के अपने 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है अभी तक, और अग्निवीर में भी सेम प्रोसेस फॉलो हुआ है रिटन एग्जाम में। अब हमारे ना कुछ रिक्रूटमेंट एरियाज होते हैं, जोन्स होते हैं, उस पर्टिकुलर जोन में जो भर्ती होती है उसी में आप जाके और भर्ती के लिए अपीयर हो सकते हो। तो हमारे इन टोटल अभी तक 4 जोन हैं रिक्रूटमेंट के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन से वाले आपका स्टेट कौन से जोन में आता है। फॉर एग्जाम्पल,
हरियाणा से जो बिलोंग करते हैं उनका ये वाला जोन है, और बाकी सब अपना स्टेट देख सकते हैं इसमें से किसका कौन से स्टेट में फॉल हो रहा है, फिर उसी अकॉर्डिंग आपके रैली होती है और उसी में आपको अपीयर करना पड़ता है, और फिर वो जैसे प्रोसेस रहता है वैसे रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। टीए आर्मी भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपडेट कर दूंगी। वैसे मेरा मोटिव टीए आर्मी भर्ती से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाना था, बट बच्चों के बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स थे रिलेटेड टू टीए आर्मी जीडी भर्ती, और मुझे अंदर से भी कोई अपडेट मिलता है तो आई विल लेट यू नो। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।